मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा उनका गौरवशाली इतिहास है। प्रदेश का एक ऐसा ही हिस्सा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की धरती वीरों और कलाकारों की धरती है। किलों और तत्कालीन इमारतों से आबाद बुंदेलखंड की जमीन प्रभु श्री राम भक्त की अनोखी कहानी से भी जुड़ी है। झांसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर यहाँ पर राजा राम का साम्राज्य आज भी स्थापित है ओरछा के रूप में। समय बीतने के साथ ही ये जगह घने जंगलों से ढक गई। बेतवा के किनारे बसा ये नगर गुमनाम हो गया, लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो ओरछा के रूप में भारतीय विरासत में एक और नाम जुड़ गया। तो चलिए आज भगवान राम के राज्य की सैर करते हैं। ये नगर अपना इतिहास खुद रच रहा है। जब बुंदेला राजाओं ने इस नगर को बसाया, इतिहास वहां का रोचक रहा है और रोमांचक भी रहा है। एक तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, बड़ी खूबसूरत उसकी सेटिंग है, और अगर आप बेतवा के किनारे से गुजरे तो वहां आपको ओरछा के महल दिख जाएंगे। देव विठल देव पूजा शांत दिखने वाला ये शहर हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये जगह रोजाना के अंचलों की उपजी कहानियों से भरी पड़ी थी, लेकिन 1783 में बुंदेला राजाओं का राजपाट खत्म होने के साथ ही ये खूबसूरत जगह गुमनामी के घने जंगलों में ढक गई। एक बार फिर ये जगह तब उजाले में आई जब स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा के गांव में शरण ली। उनके ठहरने के निशान आज भी यहां मिलते हैं। ओरछा को दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम यहां बाल रूप में विराजते हैं। ये विश्व की अकेली जगह है जहां श्री राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है और उन्हें सरकारी शस्त्रों की सलामी सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी दी जाती है। मान्यता ये भी है कि राजा राम राजकाज निपटाने के बाद जनता को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर भी निकलते हैं। रामलला की इस धरती पर पुरातत्व और इतिहास बिखरा पड़ा है। तभी तो खजुराहो के बाद बुंदेलखंड के इस इलाके में सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी पहुंचते हैं और बेतवा किनारे बसे इस नगर में अपना समय गुजारते हैं। The principal one is to see the temples and all the landscapes around here. Arhram Janiki Ka Bihua He Ismin Shamil Honehan Mexico Xi'an Hen. This orchard is very nice as well. We visited both palaces. We haven't seen very much of the city though. ओरछा के दामन में ऐसी ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिन पर पुरातत्व विभाग को भी गर्व होता है। जो स्थल क्षेत्रीय वास्तुकला है उसका उपयोग इसमें किया गया है, लेकिन मुगलों से जो भी उनका रिश्ता था तो मुगल प्रभाव भी आपको वहां दिखते हैं। लेकिन वहां के मेरे में जो छतरियां हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। वो हर महल में बहुत सारी छतरियां हैं और जो कमरे हैं विशाल कमरे हैं, चौड़ी दीवारें हैं और जो मेहराबों का इस्तेमाल भी वहाँ कम हुआ है, लेकिन मुगल प्रभाव कहीं ना कहीं आपको दिखता है। और उल्लेखनीय बात ये भी है कि इन महलों में भी चित्र आपको बहुत मिलेंगे, बल्कि बुंदेली चित्रकला का अगर आप विवरण दें तो ओरछा के महलों का जिक्र आपको करना पड़ेगा। मौसम की मार और विदेशी आक्रमणकारियों का सितम झेलकर भी ये महल और किले अपना वजूद बचाए हुए हैं। इमारतों के अलावा भी ओरछा को कुदरत के खूबसूरत वरदान मिले हुए हैं। तभी तो
विज्ञापनों और फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बॉलीवुड ओरछा का रुख करता है। ओरछा से आरबी सिंह के साथ प्रदीप पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओरछा के राजा मधुकर बुंदेला राजाओं में सबसे मशहूर राजा रहे हैं। इनके नाम पर आज भी बुंदेलखंड में मधुकर टीका मशहूर है। मधुकर टीके का जिक्र साहित्य और इतिहास में भी मिलता है। यहाँ पर राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है और इनके इस महल में चारों तरफ राम भक्त हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में बने हुए हैं। राजा राम का एक भव्य दरबार और रामराज का ये अनोखा स्वरूप ओरछा के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि राजा मधुकर बांके बिहारी के भक्त थे, लेकिन उनके राजमहल में प्रभु श्री राम की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए चलते हैं, ओरछा का इतिहास भी टटोलते हैं। इस पर उकेरी गई शिल्प की गुणवत्ता है। महल के अंदर अनगिनत विशाल कमरे हैं। आज भी इस महल की भव्यता देखकर उस जमाने के राजाओं के ठाट बाट का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओरछा मध्यकाल का शहर रहा है और बुंदेलों के वैभव का वो केंद्र रहा है और आज भी उस वैभव के अवशेष वहां पर दिखते ही इमारतें के रूप में। ऐसी मान्यता है कि राजा मधुकर शाह की रानी श्री राम की भक्त थी और उन्होंने सरयू के किनारे साधना करके राम राजा की प्रतिमा पाई थी, लेकिन शर्त ये थी कि प्रतिमा एक बार ही स्थापित होगी। रानी ने चतुर्भुज मंदिर के निर्माण से पहले ये प्रतिमा महल में रखी, जो उसके बाद प्रतिमा वहां से हिली ही नहीं। इसे ईश्वरी चमत्कार मानकर महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और ये महल राम राजा मंदिर बन गया। असल में वो जो महल है उसकी रानी ने संकल्प किया था कि हम एक मूर्ति लाएंगे राम रामचंद्र जी की और उसको स्थापित करेंगे, तो इसके लिए बड़ा विशाल मंदिर वहाँ बनाया गया ऊंची जगह पर ओरछा में। लेकिन उन्होंने लाके क्या किया, मंदिर चूंकि पूरा हुआ नहीं था तो मूर्ति को लाके अपने महल में रख दिया, उसको महल में रख दिया। वो जब मंदिर पूरा हुआ तो लेना वहाँ ले जाना चाहा, लेकिन फिर वो उनको शायद सपना आया या फिर वहाँ से हटे नहीं वो, तो महल जहाँ स्थापित इनको किया था वही मंदिर हो गया। ये महल ऊपर से इतना विशाल है, जमीन के नीचे भी ऐसे ही कलघर बने हुए हैं, लेकिन अब वहाँ जाया नहीं जा सकता। बताते हैं कि इन कलघरों से बाकी महलों के लिए सुरंगें बनी हुई हैं। श्री महारानी कुंवर गणेश के प्रेमांकन को स्वीकार करके इस कलघर में 16वीं सदी में श्री राम राजा अयोध्या से चल करके ओरछा पर आए और कुश नक्षत्र में श्री मनोहर शाह महाराज ने बुंदेलखंड के राजाधिराज पर श्री राम राजा सरकार को आकर्षित किया। ओरछाधीश के रूप में मान्य है और उनके इस महल के चारों ओर राम भक्त हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में बने हुए हैं। राजा राम का ये भव्य दरबार और रामराज का ये अनोखा स्वरूप ओरछा के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, तभी तो आज भी लोग ओरछा का रुख करते हैं। ओरछा से आरबी सिंह के साथ प्रदीप पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ आईना के खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का।